हेनरी विवियन डेरोजियो ने इंस्पायर किया था यंग बंगाल मूवमेंट ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी नफ्ताली बेनेट रिसेंटली स्वान इन हुए हैं एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है एन विजन मिशन वीनस के लिए इन 2030 फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी है पतंजलि और दश कुमार चरित्रम लिखा है डांडिन ने आज के सवाल हैं जाता जतिन फोक डांस है ये किस स्टेट को बिलोंग करता है राजा परबा अभी हाल ही में सेलिब्रेट हुआ इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट हेड्स द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इन इंडिया कल इसका डिसीजन आया था फर्टिलाइजर सब्सिडी तो इसको हेड कौन करते हैं फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेसिलिका ऑफ जीसस ये किस राज्य में स्थित है अभिधाम पिटिका बुद्धिज्म में त्रिपिटिका में से एक है अभिधाम पिटिका दिस इज रिलेटेड टू वॉट कालीमंटन काफी न्यूज में है इज द पार्ट ऑफ विच कंट्री सो दीज आर क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबलरी है फ्लैबर गास्टेड मतलब ग्रेटली सरप्राइज है एस्टॉनिश्ड हो आप मेलिएबल का मतलब होता है जो ईजिली इन्फ्लुएंस हो सके मेलिएबल जैसे मेटल्स होते हैं वो भी मेलिएबल होते हैं का मतलब होता है समवन ऑफेंसिवलीउ कॉग्निजेंट मीन अवेयर रियलाइजेशन ब्लैंड और परम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है सीबीएसई का असेसमेंट फॉर्मुला फॉर क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स हैबाउ रामसर जुडिशियल पुशबैक टू अ ड्रेकोनियन लीगल रिजीम देन दिस इज अ प्लेस फॉर डिसरप्टि टेक्नोलॉजी इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर आई टी सेक्टर टेक्नोलॉजी का मेडिकल हेल्थ केयर में क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है वेरी गुड आर्टिकल सीबीएसई क्लास टेंट टीवी नेटवर्क है उसमें भी नए जो रूल अमेंडमेंट आए हैं केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स में दिस इज हेल्पलाइन है फॉर साइबर फ्रॉड दिस इज बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन वाइटल स्टैटिस्टिक्स चाइनीज एस्ट्रोनॉट स्टमुलस की बात है मिस्टर सत्या नडेला अब चेयरमैन बन गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के दिस इज चाइना का स्पेस एम्बिशन फैड सिग्नल्स इन इंडियन मार्केट्स यूएसए का फैड सिग्नल और इंडियन मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट होता है ये आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है इंडिया का फोर्टी रैंक है खाद्य और कृषि संगठन हिंदी में देखेंगे और ये कुछ उसके प्रमुख प्रकाशन है दिस इज सी सेट सोलूशन इन सर्टन क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 टू फोर्टी मिनट अवर रेफरेंस मटीरियल इज दिस दिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सी पहला न्यूज है ये क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए है एपेक्स कोर्ट एपेक्स कोर्ट किसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को अप्रूव्स सी बी एस सी का असेसमेंट फार्मूला अब सी क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट लाने थे बट रिजल्ट नहीं आ पाए वाई क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है तो क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम अगर पोस्टपोन कैंसिल कर दिया तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट असेसमेंट मेथड होना चाहिए तो सी ने ये असेसमेंट का मेथड दिया है कि क्लास टेंथ का थर्टी परसेंट वेटेज होगा क्लास एलेवेंथ का थर्टी परसेंट वेटेज होगा क्लास ट्वेल्थ में भी थ्योरी प्रैक्टिकल मार्क्स ऐसे करके एक फॉर्मूला बनाया है जिससे ये इंटरनल असेसमेंट करके मार्क्स अलोकेट करेंगे क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को बिकॉज उनके एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन तो ये जो सॉल्यूशन है सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर दिया है तो इससे जो अनसर्टेनिटी थी क्लास ट्वेल्थ के रिजल्ट्स की वो अब एंड होती है इससे क्या होगा कॉलेज एडमिशन की जो प्रोसेस है वो अब स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और जो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से सेटिस्फाइड नहीं है, जब सिचुएशन होगी तो वो एग्जाम तब लिख सकते हैं तो एक ऑप्शन ये भी है अब इसका टाइम टेबल कैसा रहेगा जैसे जून ट्वेंटी थर्ड तक एक कमिटी बनेगी सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स वगैरह कैसे देखना है वो करेंगे किन स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट चेंज किया वो देखेंगे थर्टी जून तक रोड मैप तैयार होगा और पंद्रह जुलाई तक रिजल्ट आ जाएंगे फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट हो जाएगा डिक्लेयर होगा जुलाई थर्टी फर्स्ट को सी बी एस ई रिजल्ट डिक्लेयर करेगी क्लास ट्वेल्थ का सो दिस इज नॉट ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये बहुत फेयर है बट दिस इज एज फेयर एज इट कुड गेट बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे तो दिस इज एज फेयर एज इट कुड गेट अब जो सेकंड है वो है मैमोथ सपोर्ट ये बात है एक टस्कर है इनको टस्कर क्यों बोलते हैं बिकॉज इनकी ऐसे दिस टस्कर सूंड है और ऐसे दिस दिस आइवरी इंजर्ड टस्कर सिल्वर मॉन्स्ट्रा यहाँ पे उसको हेल्प किया गया एलिफेंट को तमिलनाडु के मुद्दू मलाई टाइगर रिजर्व में सो दिस इज मैमोथ सपोर्ट ऐसी ही एक और न्यूज है एलिफेंट कॉरिडोर का ये आगे है बिफोर दैट दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू यहाँ एक और न्यूज है कंटिन्यू डिमोलिशन ऑफ इलीगल बिल्डिंग्स इन अरावली फॉरेस्ट लैंड अरावली हमें पता है वेरी इंपॉर्टेंट ओल्ड फोल्ड माउंटेन डायलैपिडेटेड कंडीशन और यहाँ पे एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है एनक्रोचमेंट सो अरावली इज डाइंग सो उसके लिए यहाँ पे कोर्ट ने बोला है जो अनलिगल इलीगल लीगल बिल्डिंग्स हैं उसका डिमोलिशन कंटिन्यू करें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असैसमेंट होना जरूरी है अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं फॉरेस्ट लैंड में सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू ये सेकेंड पेज है दिस इज क्राइटेरिया नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमें रेडी होना चाहिए नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या सिचुएशन रहेगी ट्विटर को सेफ हार्बर का स्टेटस अब नहीं है कोविड की थर्ड वेव अनलाइकली टू अफेक्ट चिल्ड्रन एक स्टडी में ये बताया है देन यहाँ मेघालय में नंबर्स आर नॉट गुड असम ये न्यूज है वेटलैंड का वेटलैंड पानी भरा हुआ है वेटलैंड ये वेटलैंड है दिपोर बील नियर गुवाहाटी असम सिक्स री ऑफ ट्रैक्स थ्रू वेटलैंड ट्रेन हैव रन ओवर सेवरल एलिफेंट्स अभी ये एलिफेंट्स हैं एलिफेंट्स ना ग्रुप में रहता है जैसे चाइना के कुछ एलिफेंट्स अभी हमने देखे थे लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो एलिफेंट बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है और एनिमल इज एलिफेंट काफ़ी सोशल भी है तो अक्सर क्या होता है ये अगर ऐसे मूव कर रहे हैं ट्रेन आ गई तो हर्ड्स के हर्ड्स यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है एंड दे डाई तो एलिफेंट कॉरिडोर होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है बिकॉज एलिफेंट की हैबिटेट से कभी रोड्स निकल रही हैं कभी ट्रेन के ट्रैक निकल रहे हैं तो रीअलाइनमेंट करें ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को जो दिपोर बिल से पास हो रही है ये एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है बर्ड एरिया रामसर कन्वेंशन भी है वेटलैंड की रेलवे लाइन यहाँ से पास होती है तो हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है तो विच क्रिएट्स नॉइज पॉल्यूशन एंड डिस्टर्ब द माइग्रेटरी बर्ड्स एज वेल तो ये जैसे विसलिंग टील है दिपोर बिल नियर गुवाहाटी यहाँ गार्बेज डंप भी बहुत ज्यादा है लोग अक्सर अपना कचरा लाके इस झील में यहाँ पे डंप कर देते हैं और अनट्रीटेड सीवेज का स्ट्रेस भी है सो दिस इज वेटलैंड वेटलैंड के साथ ही वाइल्ड लाइफ एनिमल कंजर्वेशन और साथ ही साथ रामसर कन्वेंशन सी अब एक सवाल है 2018 का वॉट इज वेटलैंड वेटलैंड क्या होता है तो सबसे पहले आप चार तीन चार लाइन में बताओ वॉट इज वेटलैंड

ज्योग्राफी जो है ना अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो एन सी आर टीज आर मोर देन सफिशेंट इन चार एन सी आर टी किताबों को आप कम से भी कम दस बार पढ़ो जी एस के लिए इट इज़ मोर देन सफिशेंट उसके बाद का जो एक्स्ट्रा चीज़ होगा वो हम न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है बट अगर ऑप्शनल है तो यू विल हैव टू रीड मोर बुक्स ओके उसका भी मैं एक स्ट्रेटेजी जल्दी ही देता हूं कि ऑप्शनल में ना कुछ और भी पढ़ना पड़ता है कुछ सेपरेट टॉपिक्स टॉपिक्स हैं उन को कवर करने के लिए यू हैव टू गो लिटिल बिट एक्स्ट्रा ओके फॉर बट फॉर जीएस के लिए जीएस के लिए एनसीआर मोर देन सफिशियंट सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन ओल्ड एंड स्लो तो ये था ओडिशा गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है पैकेज फॉर द पुअर एंड दिस इज डेवलपमेंट रूल्स दैन दिस इज टी वी चैनल को रिप्राम किया यहाँ पे पैट डॉग फाइट्स बैटल विद द बल्ज और ये एडिटोरियल है फर्स्ट है रिवर्स माइग्रेशन दिस इज पॉलिटिकल और ये है ओल्ड एंड स्लो यहाँ पे बात है टेस्ट मैच का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मेलबर्न में मार्च एटीन सेवेंटी सेवन में टेस्ट मैच उसके बाद वनडे आए फिर अब ट्वेंटी ट्वेंटी आ गए तो जो पुराना रेगुलर टेस्ट मैच है ना ये क्या अपनी शीन लूज़ कर रहा है इस बात पे आर्ग्यूमेंट है अगर हम एक्सपर्ट्स को देखें ना जो मतलब क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं एंथुजियास्ट हैं तो जो टेस्ट मैच है ना टेस्ट मैच को रियल क्रिकेट बोलते हैं ना कि ट्वेंटी ट्वेंटी को टेस्ट मैच का ओल्ड चाम तो अभी इंडिया और न्यूजीलैंड का है आईसीसी ट्रॉफी में गेम्स ओरिजिनल फॉर्मेट फॉर्मैट सी इट इज़ गुड फॉर टेस्ट मैच क्रिकेट क्रिकेट के लिए इट इज़ गुड ये जुडिशल पुशबैक है टू अ ड्रैकोनियन लीगल रिजीम कुछ दिनों से हम इस बारे में बात कर रहे हैं ड्रैकोनियन लीगल रिजीम कि ये जो है ना इसमें जो वर्ड्स डिफाइन कर रखे हैं वो बहुत वेग है टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज बड़े वेगली डिफाइन किया है तो डिसेंट इज नॉट इक्वल टू टेररिज्म सेकेंड ये जो टेररिज्म वर्ड है इसको ट्रिवलाइज भी नहीं करना चाहिए यहाँ प्राइमरली जो बात किया है वो यू के इस सेक्शन फोर्टी डी फाइव के बारे में है ये जो यू है यू में सेक्शन फोर्टी थ्री डी फाइव जो होता है उसमें ये लिखा है कि अगर किसी पे ये चार्जेस लगते हैं ना तो प्राइमा फेसी उसको गिल्टी माना जाएगा तो अगर प्राइमा फेसी उसको गिल्टी है तो जब तक वो गिल्टी मतलब एक्विटल नहीं मिले प्रूव अनप्रूव नहीं हो तब तक उसको बेल भी नहीं मिल पाएगी तो सेक्शन फोर्टी थ्री डी फाइव ऑफ द एक्ट बोलता है प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ एनी अक्यूज पर्सन ऑन बेल जमानत नहीं मिलेगी 173 of Code of to 43D5 of or CRPC की 173 चार्जेस लगे हैं तो बेल नहीं मिलती है इजिली बिकॉज देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट अक्यूजेशन अगेंस्ट सच पर्सन इज प्राइमा फेसी ट्रू अब अगेन ये एक और ड्रैकोनियन बोल सकते हैं काफ़ी पुराने लॉज हैं ये तो इससे क्या होता है कि अगर किसी को चार्ज में ऐसे जेल में रखा है तो वो फिर उसको बेल नहीं मिल पाएगी अब हमारे कोर्ट में टाइम बहुत लगता है कोर्ट का प्रोसीजर कंप्लीट होने के लिए उसको तब तक जेल में रहना पड़ेगा प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस आएंगे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा विटनेस आएंगे रिकवरी होगी इनक्रिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स की हैंड राइटिंग, वॉइस सैंपल एलिमेंट्स तो जो क्रिमिनल ट्रायल है ना ये हो जाता है महीनों नहीं सालों तक खिंच जाता है और जिसको इसके अंदर बुक किया गया है यू ए पी ए सेक्शन फोर्टी थ्री डी फाइव और वन सेवेंटी थ्री उसका ट्रायल खिंच गया महीनों सालों तक तो तब तक उसको जेल नहीं मिल पाएगी वो जेल में रहेगा तो दिस इज ड्रेकोनियन एंटायर प्रोसेस में काफ़ी साल लग जाते हैं देयरफोर बेल इम्पॉर्टेंट है सेफ और गारंटी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लिबर्टी तो यहाँ एक आर्ग्यूमेंट है कि जुडिशियल पुशबैक हुआ है जैसे कोर्ट ने अभी बेल ग्रांट कर दी थी दिस इज पुश बैक टू अ ड्रैकोनियन लीगल रिजीम ऐसे टॉपिक्स में हमें ये दो एक चीजें याद रखनी चाहिए सी और दिस यूए का सेक्शन फोर्टी डी फाइव और थीम ये होनी चाहिए कि जो लॉज है ना अब सी आर पी सी आई पी सी ये बहुत पुराने ड्राफ्टेड है समय के साथ चेंज हो गया है कंट्री तो 2021 के हिसाब से इनमें अपग्रेड्स करने की ज़रूरत है दूसरा थीम ये होना चाहिए कि जो डेफिनेशन होती है वो क्लियर कट होनी चाहिए वेग नहीं होनी चाहिए अगर वेग वर्ड्स यूज करते हैं ना तो उसका उसका मिस ज़्यादा होता है दिस इज अ प्लेस फॉर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर सी जैसे नर्सेज हैं डॉक्टर्स हैं वो कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं तो क्यों ना बहुत सारे जो काम होते हैं वो हम मशीन्स के थ्रू कर लें रोबोट्स के थ्रू कर लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोनस सिस्टम डेटा एनालिटिक्स ये डिफाइनिंग रोल प्ले कर सकता है इन शेपिंग द मेडिकल सेक्टर नर्सेज अटेंडेंट्स जो हैं फुल टाइम ड्यूटी कर रहे हैं ऑल वो मास्क पहने हैं ग्लव्स पहने हैं प्रोटेक्टिव गियर भी है वैक्सीनेशन भी है पर फिर भी एक रिस्क से वो एक्सपोज हो रहे हैं सो वाई नॉट वी आर गोइंग फॉर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन रोबोट्स यूज करें मशीन्स यूज करें जो ऑटोमेशन कर सके कुछ काम को ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ जगह पे ये ट्राई किया गया है अब रोबोट्स एंड मशीन्स तो हम यूज करेंगे तो हम स्पॉटलाइट करें टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ ऑटोनोमस सिस्टम हुआ मतलब खुद ही डिसीजन मेकिंग कर सकता है ब्लॉकचेन हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग डेटा एनालिटिक्स 5G तो ये चीजें जो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी के हैं कीवर्ड्स ये हेल्प कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से एड्रेस हो सकता है इंटर ऑपरेबिलिटी चैलेंज हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम जो फेस करती है अब इसमें ये जो भी कीवर्ड्स है ना इन सब कीवर्ड्स के बारे में आपको पांच या छह कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए कि ये सवाल आए तो आप कुछ पांच छह लाइन्स लिख पाओ वहां पे आप ब्लैंक नहीं हो ब्लॉक चेन इंडेक्स जो होता है इसमें हेल्थ रिकॉर्ड आ सकता है पेशेंट का एक लेजर बना हुआ है सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड उसमें आता जा रहा है सेंट्रलाइज्ड है सिक्योर है इसको क्विकली रिट्रीव भी कर सकते हैं तो अगेन इससे तुरंत पेशेंट की प्रोफाइल डॉक्टर के सामने आ जाएगी बिग डेटा एनालिटिक्स से टेलर मेड ट्रीटमेंट हो सकता है बिकॉज ऑल पेशेंट्स आर डिफरेंट तो हम एक जेनेरिक ट्रीटमेंट देने के बजाय एक स्पेसिफिक टेलर मेड ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को अगर उससे रिलेटेड हमें सारा डेटा पता है और उस डेटा का एनालिसिस भी हुआ है ए और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्टेड गैजेट्स हो जाएंगे सर्विस डिलीवरी बेटर हो सकती है क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या होगा होगा डेटा एक्सचेंज होगा डॉक्टर्स डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन मेडिकल प्रोवाइडर ये बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाएंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारा टारगेट होना चाहिए मतलब सबको हेल्थ के अंदर लाना है जैसे आयुष्मान भारत है इंटीग्रेटिंग ह्यूमन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज देन डिजिटल हेल्थ स्ट्रैटेजी भी हमें बनाना है कोविड इज नॉट द फर्स्ट पैंडमिक कोविड इज ऑब्वियसली नॉट द लास्ट पैंडेमिक हमें हेल्थ स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना है एथिकल अप्रोप्रिएटनेस डिजिटल टेक्नोलॉजी की जो डिजिटल डिवाइड है जैसे कोविन में रजिस्ट्रेशन में गांव वाले या फिर जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है इंटरनेट नहीं है वो बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे थे तो डिजिटल डिवाइड को हम ब्रिज करें इंक्लूजन लाएं इकोनमी में यूटिलाइज करें लोकल नॉलेज कई बार ट्राइबल्स का या फिर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है उनकी भी इफेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है उसको भी इनकॉर्पोरेट करें टैंपलेट्स बनाए जैसे हम आंसर राइटिंग के टैम्पलेट्स बनाते हैं ना जहां ज़रूरत है हम उसको फिर एज इट इज़ फिट कर देंगे तो ऐसे ही टैम्पलेट्स रेडी करें हम बेस्ट प्रैक्टिसज के हेल्थ केयर में सिंक्रोनाइज करें इंटीग्रेट करें लेवल प्लेइंग फील्ड दें और फोस्टर करें कॉम्पिटिशन कंपटीशन से कभी नहीं भागना चाहिए कंपटीशन इज गुड मेनी ऑफ यू स्टार्ट फीलिंग बैड कि कोई इतना अच्छा आंसर लिख रहा है तो आप थोड़ा डिप्रेस हो जाते हो अरे नहीं कंपटीशन इज गुड आपको उससे मोटिवेशन मिलना चाहिए कि समबडडी सच अ ग्रेट जॉब तो चलो मैं भी अच्छे से काम करता हूँ यू ऑल्सो राइट ट्राई टू राइट बेटर एंड बेटर आंसर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करें आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो कॉम्पिटिशन इज गुड पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स जो हैं इस एफर्ट में स्टैंडर्डाइजेशन करें हेल्थ डेटा जो सिलोज मेंटेलिटी है कि इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है उसको इंटीग्रेट करें डेटा सिक्योरिटी हो प्राइवेसी हो हाई इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे लाएं तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ करें हेल्थ सेक्टर में और ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो सकती है बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकते हैं तो ये सेकेंड सवाल है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे कोविड में अभी आपने देखा था टेली मेडिसिन काफी पॉपुलर हुआ टेक्नोलॉजी इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज फाइव जी आएगा ना तो और नए नए यूज केसेस आएंगे दिस टेली मेडिसिन रिलेटेड चीज़ों के तो डिस्कस इट्स पोटेंशियल एंड चैलेंजेस तो ये सेकेंड सवाल है आपको टेक्नोलॉजी को हाईलाइट करना है क्वालिटी और साथ ही साथ अफोर्डेबल भी करना है और इसका पोटेंशियल क्या है और चैलेंजेस क्या है ये भी आइडेंटिफाई करना है सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टूडे रिकवरी टेक्स मोर देन रिफॉर्म्स अभी रिफॉर्म्स से भी ज्यादा कुछ चाहिए हमें तो ये था एडिटोरियल पेज ऑफ द हिंदू ये नेक्स्ट है ओपेड रिकवरी टेक्स मोर देन रिफॉर्म सीरियस अटेम्प्ट अगर इकोनॉमिक रिकवरी का करना है ना तो हमें फूड सप्लाई को भी ध्यान देखना पड़ेगा मनी सप्लाई ही नहीं हमने इजी मनी पॉलिसी लिया और जो सप्लाई साइड बॉटल नैक्स हैं उसको करेक्ट कर लिया बट अभी भी डिमांड का शॉक है तो उसके लिए हमें इकोनॉमिक रिकवरी के लिए फूड सप्लाई लेना है और लोगों के हाथ में पैसा देना है आगे एक और चीज़ है कि जो टैक्सेशन है ना कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट इसको फोरगो कर सकती है बिकॉज पीपल नीड मोर मनी इन देयर हैंड देन सी बी एस ई टू रिकॉर्ड क्लास टेन ट्वेल्थ मार्क्स थ्रू आउट द ईयर ये बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी है क्यों ना हम ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ें कि साल के अंत में एक तीन घंटे का पेपर हो रहा है वो ये डिसाइड कर रहा है कि उस स्टूडेंट ने साल भर क्या पढ़ा है ये पैटर्न जो है ना ये फ्लॉड है साल भर का असेसमेंट होना चाहिए कि साल भर उस स्टूडेंट ने क्या किया फ़ॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है वो साल भर अच्छे से पढ़ा बट एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले बीमार हो गया तो वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या वो बुरा स्टूडेंट हो गया ये सिस्टम ही फ्लॉड है जैसे सिविल सर्विसेज का भी जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये बड़ा फ्लॉड है इसमें सौ रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं पेपर टू तो काउंट होता नहीं है जी एस वन मतलब काउंट होता है पासिंग मार्क्स लाने जी एस वन में सौ रैंडम क्वेश्चन पूछे उन्होंने और इस सौ रैंडम क्वेश्चन के बेसिस पे दस लाख लोगों में से ये कुछ दस हज़ार पर्सन सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें कितना ज़्यादा आर्बिट्ररीनेस आएगा हो सकता है वो जो सौ सवाल आए हैं वो किसी एक के फेवर में आ गए इकोनॉमी ज़्यादा आ गया या फिर साइंस में कुछ ज़्यादा आ गया या फिर हिस्ट्री आ गया सो देर इज सर्टेन अनसर्टेनिटी ये पैटर्न इसीलिए इतना वायबल भी नहीं है इससे क्या होता है बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं हो सकता है उस दो घंटे में उसका दिमाग नहीं चला और वो परफॉर्म नहीं कर पाया सो so, इससे आर्बिट्ररीनेस आती है तो सिमिलरली जो क्लास टेंथ और ट्वेल्थ है यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर असेसमेंट होना चाहिए और असेसमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट का देखें बिहेवियर कैसा है या फिर स्पोर्ट्स में कैसा है अदर एक्टिविटीज़ में कैसा है बिकॉज मार्क्स जो होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सोशल साइंस दिस इज नॉट एवरीथिंग बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स भी होते हैं दिस स्टडीज़ के सो so, ऐसा कुछ फॉर्मुलेशन होना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म इवेलुएशन करें साल भर का इवेलुएशन करें ये स्टेप राइट डायरेक्शन में ऐसे एफर्ट्स डालने चाहिए वरना टेंथ और ट्वेल्थ बोर्ड का बहुत ज्यादा दिस ट्रॉमा भी हो जाता है स्टूडेंट्स में और उनके पेरेंट्स पे रूल्स रेगुलेटिंग केबल टीवी नेटवर्क अमेंडेड अब ये नेक्स्ट है दिस इज अबाउट टेंथ शफल ब्यूरोक्रेसी टीवी नेटवर्क अब टीवी में भी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है इंटरनेट के लिए जैसे अभी रूल्स आए ना तो टीवी के लिए पहले से रूल्स हैं रूल्स बनाती है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री थ्री लेवल का यहाँ पे भी ग्रेवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा तो ये रूल्स हैं इनको अमेंड किया गया है केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स केबल टेलीविज़न नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021 को अमेंड किया एक स्टेश मैकेनिज्म है कंप्लेंट्स का जैसे टीवी पे कोई न्यूज़ आया वो गलत न्यूज़ है फेक है तो कंप्लेंट होना चाहिए मैकेनिज्म होना चाहिए सिटीजन रिगार्डिंग एनी कंटेंट ब्रॉडकास्ट तो ये प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड है इस रूल का नाम याद रखना है केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021 और इसमें अमेंडमेंट किया हुआ है रिड्रेसल मैकेनिज्म आया है तो ये तीन टीयर का होगा मतलब तीन लेवल पे पहले लेवल पे कंप्लेन फिर सेकंड पे फिर थर्ड सेल्फ रेगुलेशन को बोला गया है ब्रॉडकास्टर को फिर एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होगी बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स की और उनके ऊपर होगा इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी गवर्नमेंट का ओवरसाइट कमिटी होगी तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पहले आप खुद ही सेल्फ रेगुलेट करो फिर बहुत सारे ब्रॉडकास्टर का एक बॉडी हो गया और इसके ऊपर है इंटर डिपार्टमेंटल तो ये ये बात है ये है दिस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन टेलीविजन सेक्टर देन नेक्स्ट अभी एक हेल्पलाइन चालू हुआ है साइबर फ्रॉड जब से डिजिटल पुश ज्यादा हुआ है ना ये साइबर फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा हो गए साइबर बुलिंग हो रहा है अनसोलिसिटेड मैसेजेस आते हैं सो दिस इज रॉन्ग फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है और बहुत सारे जिनको इस चीज़ों की जानकारी नहीं होती है गलेबल होते हैं वो विक्टिम हो जाते हैं कि ये मैसेज आया इसको लिंक क्लिक करो ये डेटा शेयर करो यू विल गेट दिस मच ऑफ लॉटरी सच टाइप ऑफ थिंग्स देन साइबर क्राइम्स भी होता है हनी ट्रैपिंग एट्सेट्रा सच टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग तो उसके लिए जरूरी है एक प्रॉपर गाइडलाइन हो जैसे हम बच्चों के लिए वन जीरो नाइन एट है चिल्ड्रन एडोपन वगैरह ऐसे ही किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड के लिए यह हेल्पलाइन है वन डबल फाइव टू सिक्स जीरो इस पर आप कंप्लेन कर दो रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू साइबर फ्रॉड बिकॉज साइबर वर्ल्ड को भी क्लींस रखना जरूरी है देन वैक्सीनेशन नॉट मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट एम ई ए का अवेलेबल वैक्सीनेशन जो वर्लरेबल है उनको पहले दें ये एक और न्यूज है ये होता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स वाइटल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि कितने लोगों का जन्म हुआ कितनी वहाँ पे मृत्यु हुई जो एज ग्रुप है उसमें क्या है सेक्स रेशो क्या है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट क्या है मटर्नल मोर्टैलिटी रेट क्या है ये सब चीज़ें होती है वाइटल स्टैटिस्टिक्स में तो 2019 का ये डेटा है कि रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है पहले क्या होता था जैसे बच्चों का जन्म हुआ तो उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है रजिस्ट्रेशन तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी अब आ रहे हैं जैसे डेथ हुआ तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना है या अगर सेक्स रेशियो एट बर्थ की करें तो कुछ स्टेट्स ने अच्छा किया है जैसे अरुणाचल का वन जीरो टू फोर है या फिर नागालैंड का वन ज़ीरो जीरो वन है मिजोरम अंडमान निकोबार सी नॉर्थ ईस्ट वगैरह कितना अच्छा कर रहे हैं प्रोग्रेसिव है जबकि गुजरात देखिए असम देखिए मध्य प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर दीज स्टेट्स आर नॉट एट ऑल डूइंग गुड चाइल्ड सेक्स रेशियो इनका कितना पुअर है सी नौ सौ गुजरात है असम एमपी जम्मू का नौ सौ नौ सो दिस इज नॉट राइट तो इन्फेंट डेथ भी ज्यादा है इन्फेंट डेथ मतलब 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन इसमें जरूरी होता है सो द पॉइंट इज अगर डेटा करेक्ट आता है ना ऐसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स से तो उससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेटर हो जाता है जैसे हमें पता लगा इन सब राज्यों में सेक्स रेशोस स्क्यूड है बच्चों का तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाएगी तो बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन अप हुआ रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है ये चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स हैं डॉक विद न्यू स्पेस स्टेशन कंट्री 2020 तक एक स्पेस स्टेशन रेडी कर देगी दिस इज अगेन अ बिग कॉज ऑफ वरी बिकॉज चाइना की यहाँ पे हो जाएगी डोमिनेंस जो अभी का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी अभी रिटायर होने वाला है यूएसए और रशिया के बीच में वैसे ही अभी ज़्यादा ऑल दो पुतिन का बात हुआ अभी बाइडन के साथ बट कोऑपरेशन नहीं है तो बचा कौन चाइना चाइना डोमिनेट करने लग जाएगा स्पेस वॉर को स्पेस एक्टिविटीज़ को तो दिस इज अगेन वन थिंग ये इनका है तियाने दिस इज स्पेस सेंटर शा जो है ये स्पेस क्राफ्ट है तो स्पेस सेंटर मतलब एक परमानेंट बॉडी स्पेस में अर्थ के चारों तरफ घूम रही है आर्टिफिशियल सेटेलाइट और यहाँ से जो स्पेस क्राफ्ट जाता है वो वहाँ जाके ऐसे डॉक कर देगा डॉक एक इंटरस्टलार का भी डॉकिंग सीन है वंडरफुल व्हेन यू गेट टाइम हैव अ लुक तो ये ऐसे डॉक करता है उस स्टेशनरी बॉडी जो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट की तरह घूम रही है तो ये चाइना का शांजा हुआ क्री हुआ है, है एस्ट्रोनॉट्स यहां पे पहुंचे अभी दिस इज अगेन अ बिग अचीवमेंट तो दिस इज द थिंग चाइना अपना सारा दिमाग लगा रहा है एनर्जी लगा रहा है नेक्स्ट जनरेशन थिंग पे इंटरनेट पे 5G पे टेक्नोलॉजी पे स्पेस पे वी नीड टू लर्न लेसन रशिया इज रेडी फॉर फर्दर डायलॉग इफ यू एस इज विलिंग तो ये रशिया एंड यूएसए फाइट कर रहे हैं ईरान में अभी पोल होना है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट है देखते हैं यहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और डिसीजंस क्या आते हैं देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज हॉन्गक में मीन दिस चाइना का बुलिंग चल रहा है श्रीलंका में डेल्टा वेरियंट आ गया है ब्रेग्जिट हार्डलाइनर फर्स्ट मिनिस्टर नॉर्दर्न आईलैंड अब सी आई आई ने कहा तीन लाख करोड़ का स्टूमुलस चाहिए कैश ट्रांसफर दें फ्यूल टैक्स को कट करें ताकि रिवाइव हो डिमांड लोगों के पास में पैसे ही नहीं है तो वो खर्चा कैसे करेंगे इसीलिए डिमांड आनी रही है तो वी नीड टू रिवाइव डिमांड एक और प्रॉब्लम है रुपी फॉल्स फेड सिग्नल अर्लियर रेट इंक्रीजेस क्या होता है कि जैसे यूएस का जो फेडरल बैंक है वो सस्ते सस्ते दर पे अगर पैसे देने लग जाता है तो क्या करते हैं आर्बिट्राज वहाँ से पैसे उठाते हैं इन्वेस्टर और इंडियन जैसे दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं अब यूएस की रेट बढ़ेगी अर्लियर रेट इंक्रीज़ेस सिग्नल्स अर्लियर रेट इंक्रीज़ेस तो यू एस में उनको फ़ायदा दिखेगा तो वो यहाँ के मार्केट से पैसा उठाएंगे इंडियन इक्विटी मार्केट वगैरह से और पैसा वापस पुल बैक करके यू एस मार्केट में ले जाएंगे तो इससे क्या होगा हमारा जो अभी कल हम एफ डी आई वगैरह भी देखे थे ये नंबर होने लग जाते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में मेहम आ जाता है तो दिस इज़ रूपी फॉल्स एज़ फेड सिग्नल्स अर्लियर रेट इंक्रीज़ अब यहाँ पर रेट इंक्रीज़ हो गया तो पैसा अब यूएस मार्केट में जाएगा और इंडियन जैसे दूसरे मार्केट है वहां से ये विड्रॉ कर लेंगे सी सेंसेक्स भी इसीलिए स्लाइड हो गया मिस्टर नडेला अब माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बन गए सी इंडियन सीईओ सत्या नडेला पहले सीईओ थे अब ये बन गए हैं चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिग अचीवमेंट सो दैट इज वाई स्टेगनेंट नहीं होना है एक चीज होती है नहीं होती तो दूसरी कोई अच्छी चीज हो जाएगी ये जो मिस्टर नडेला है ना इन्होंने भी काफी ट्राई किया था सिविल सर्विसेज के लिए बट इन्होंने डिसार्डन नहीं हुआ ये नहीं हुआ कोई दूसरी चीज करेंगे नाउ अभी वो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है दिस इज सच अूज अचीवमेंट सो दैट इज वाई डोंट गिव अप ये नहीं तो वो कीप मूविंग कीप फाइटिंग फ्लिपकार्ट चैलेंजेस कोर्ट ऑर्डर ऑन एंटी ट्रस्ट प्रूव इन्वेस्टिगेशन एरोनियस बताया इंडियन आई टी ऑन ट्रैक है आई टी रेवेन्यू हमारे यहाँ जो आई टी है ना ऑल ओल्थ, दो इसका काफी कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है बट ये मास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है आई टी सेक्टर दैट इज बाय ये इतना इम्पोर्टेंट है और रेवेन्यू भी आता है पैसे आते हैं शुगर सीजन लाइकली टू एंड विद लेसर स्टॉक्स और ये बेटर होने वाली है इंडिया और न्यूजीलैंड का सुप्रीमेसी सो दिस इज द हिंदू ये इंडियन एक्सप्रेस है क्लास टेन ट्वेल्थ के मार्क्स देन दिस इज अबाउट सीरम ये नई वैक्सीनेशन आ रही है कोवोवैक्स इसके ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं चिल्ड्रेन में नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे देन दिस इज फ्रंट पेज ये नेक्स्ट पेज है दिस इज मेहुल चौकसी हॉस्पिटल एंटीगुआ बारबुड स्पुतनिक एक डेल्टा वेरियंट के लिए भी वैक्सीनेशन लाएगा केबल टीवी नेटवर्क अमेंड कर दिए गए हैं एडिटोरियल पेज यूए जो ब्लैक बॉक्स है इसको ओपन करके क्लींस करना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। वेगनेस को हटाना जरूरी है बाइडेन एंड पुतिन के अभी टॉक्स हुए पुतिन का जो स्टेटमेंट था ना वो बड़ा मेच्योर स्टेटमेंट था बहुत प्रैगमेटिक था पुतिन लुकड मोर लाइक कॉन्फिडेंट एंड लाइक इन कमांड इन कम्पेरिजन टू बाइडन लाइक पुतिन ने बोला कि इट्स ऑल राइट अगर यूएस ए एंड जो रशिया है दोनों दे डोंट लाइक इच अदर इट्स परफेक्टली फाइन बट वी नीड टू बी प्रैगमैटिक मिस्टर पुतिन रशिया के इंटरेस्ट को प्रोपेल करेंगे बाइडन प्रोपेल करेंगे यूएसए इंटरेस्ट को तो कोऑपरेशन यहाँ पे जरूरी है एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है जैसे लास्ट टाइम चुनाव के टाइम पे बाइडन के कुछ स्टेटमेंट्स थे उसके बाद एम्बेसडर्स दोनों कंट्री ने अपने विड्रॉ कर लिए थे एक दूसरे से इसको फिर से नॉर्मलसी होगा तो फ्रीज जो था उसमें थोड़ा थॉ है नॉर्मलसी के साइन है एटलीस्ट बात तो हुई सो दिस इज अ गुड सिग्नल प्लस अब यूएसए रशिया को अपना डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं मानता है इसको रिप्लेस कर दिया है चाइना तो यूएसए के लिए जरूरी है कि वो चाइना पे फोकस करे तो एटलीस्ट रशियन फ्रंट पे पीस हो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो डिग्निटी टू द दिस डिपार्टेड दिस इज प्रोटोकॉल ऑफ डेड बॉडी मैनेजमेंट अ लिटिल बिट ऑफ काइंडनेस वाई अगर आप देखो ना आई कीप ऑन जो नई जनरेशन आती है पुरानी जनरेशन से बेटर होती है बट मैनी अ टाइम सीनियर पीपल ने साइकोलॉजिस्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो जनरेशन आ रही है ना Why so much of temperamental? Why so much of judgmental? Why so much of anger? A little bit of kindness is good. बहुत सारी चीजें एज के साथ आप सीखोगे ट्रस्ट में अभी बहुत सारी दुनिया देखना बाकी है इतना जजमेंटल और जो सोशल मीडिया में हम होते हैं इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड तो ये जो कल्चर ऑफ आउटरेज आ जाता है ना दिस बुलिंग हो जाता है इसका भी एक सॉल्यूशन निकालना जरूरी है सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ काइंडनेस देन द राइट टू रिडिक्यूल दिस इज अगेन द राइट टू रिडिक्यूल केस अगेंस्ट कार्टूनिस्ट हैबिचुअल ऑफेंडर इतना सीरियसली चीजों को नहीं लेना चाहिए मेच्योर होना चाहिए डेमोक्रेसी एक कार्टून ही तो है दैट्स ऑल टाइम्स अप फॉर बिग टेक इम्यूनिटी तो देट इज वाई खुद को भी इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए बी सीनसियर सो देट यू कैन लाफ एट योर सेल्फ ज्यादा सीरियस होंगे तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है द राइट टू रिडिक्यूल देन दिस इज द वर्ड ये बात है दिस चाइना का तियाने मॉड्यूल है कोर स्पेस चाइना का स्टेशन बिग बूस्ट मिला है चाइना के स्पेस एम्बिशन को सी 2024 तक ये जो नेक्स्ट ये 2020 वाला डेकेड है ना सी कोविड के टाइम से हम देख रहे हैं चाइना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल इस पूरे डेकेड में बिग बूस्ट पॉवरफुल चाइना का राइज प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम है चाइना का रिवेंजफुल राइज जिस तरीके से वो राइज हो रहा है क्लाइमेट चेंज बैटर्स वेस्टर्न यूएस बिफोर समर इवन बिग अगेन क्लाइमेट चेंज हो रहा है लास्ट टाइम हमने कैलिफोर्नियन दिस फायर देखा था यूएसए में then फेड signals इन इंडियन मार्केट अब सी रिजर्व जो है ये रेट हाइक करेगा पैसे विदड्रॉ होंगे इंडियन मार्केट जैसे इक्विटी से और वापस जाएंगे यूएस में तो स्टॉक मार्केट जो है ना ये यहाँ पे क्रैश हो सकते हैं आर को इंटरवीन करना पड़ेगा आर ने आगे बोला है कि ऑल दो छह सौ बिलियन डॉलर का जो हमारा रिजर्व है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रशियन बट ये रिजर्व भी ज़्यादा टाइम तक हमें सस्टेन नहीं कर पाएगा तो कोविड का हमें अर्ली ट्रीटमेंट चाहिए कोविड से रिकवरी चाहिए और रिफॉर्म्स भी चाहिए हमें साथ ही साथ दिस रिलीफ के फेड सिग्नल्स इंडियन मार्केट में क्या आ सकता है एनिमल सीरम इन मेकिंग ऑफ वैक्सीन अननेसेसरी कंट्रोवर्सी एक्सपोजर टू कॉमन कोल्ड वायरस कैन हेल्प फाइट कोविड नाइनटीन एक स्टडी है ये थर्टी थर्टी फोर्टी फॉर्मुला है एनसीएल का केस है फेड हाइक सिग्नल ये आई का वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स है इंडिया की रैंक आई है फोर्टी टॉप फाइव एशियन में है सिंगापुर हांगकॉन्ग ताइवान यू और चाइना दिस इज सर्वे के ये डिटेल्स हैं इकोनॉमिक वेल्बिंग हार्ड डेटा वगैरह इन्होंने देखा इंडिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है बट अभी फोर्टी थर्ड पर ही हम हैं सी राइजिंग इम्पोर्ट जो बढ़ रहा है जैसे आपने सवाल तैयार किया था ना एक्सपोर्ट लेड इकोनमी बनाएं इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन करें इम्पोर्ट अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये एक बर्डन हो जाता है अभी छः सौ बिलियन अच्छा है हमारा फॉरेस्ट रिजर्व पर दिस इज़ नॉट सफिशियंट ये पंद्रह मंथ का ही कवर प्रोवाइड कर सकता है देन तीन लाख करोड़ का स्टिमुलस चाहिए माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन नडेला एंड दिस इज फ्लिपकार्ट अमेजोन अब हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल हिंदी आर्टिकल है खाद्य और कृषि संगठन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ ना ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है काम क्या है भुखमरी से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना 45 में स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं हेडक्वार्टर इसका इटली में है ये एक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठन में से एक है विश्व खाद्य कार्यक्रम कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष भी होता है कुछ ही दिन पहले आई शोड यू वन वेबसाइट जिसमें था दिस विरासत प्रणाली हेरिटेज जो कल्चरल वेबसाइट्स हैं हेरिटेज साइट्स हैं एग्रीकल्चर की इंडिया में दो साइट्स थी तो ये जो घियाज है ना ये भी इंपॉर्टेंट है रेगिस्तानी टिड्डी की स्थिति पे भी नजर रखना है देन एक होता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस ये एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है फूड का जैसे हम यूरोप में अभी मैंगो बिहार के एक्सपोर्ट हुए थे तो एक सर्टेन स्टैंडर्ड होना चाहिए खाद्य मानक कार्यक्रम कोडेक्स एलिमेंटेरियस देन खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि जेनेटिकली मॉडिफाइड तो एक तो घियाज हो गया हेरिटेज साइट्स दूसरा हो गया कोडेक्स एलिमेंटेरियस पे और ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह पे ये कुछ रिपोर्ट्स भी निकलती है जैसे विश्व मत्स्य पालन जलीय कृषि राज्य स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट विश्व में खाद्य सुरक्षा पोषण राज्य देन खाद्य और कृषि राज्य स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट विश्व खाद्य मूल्य सूचकाओं ये जो रिपोर्ट्स हैं कई बार ऐसी आ जाती है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आईएमएफ की रिपोर्ट एटसेट्रा ये इसके प्रमुख प्रकाशन हैं तो दिस इज खाद्य सुरक्षा एंड दिस इज फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये सी सेट है ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट एक्स है पहले 600 से हुआ 600 हंड्रेड बाय एक्स देन सिक्स में आधा एक्स था एक्स में ड्यूरेशन में आधा घंटा और लगा तो सिक्स हंड्रेड एक्स प्लस हाफ इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आ रहा है दिस 200 हंड्रेड किलोमीटर पर आवर से स्पीड रिड्यूस हो गई सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो नेगेटिव वैल्यू है नेग्लेक्ट कर दीजिए तो आंसर इज वन आवर वन आवर का एक्चुअल में ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट होना था देन स्पीड ऑफ ट्रेन का रेशियो दिया हुआ है एट एक्स दिया हुआ है फोर हंड्रेड अपॉन्ट फोर तो एक्स हो गया साढ़े बारह एक्स में सेवन एक्स पे डालिए तो सेवन इंटू साढ़े बारह देट इज एटी सेवन पॉइंट फाइव देन टाइम टेकन दिया हुआ है वन आवर फोर्टी मिनट फोर्टी एट तो फोर्टी एट सेकेंड मतलब फोर्टी एट बाई सिक्सटी मिनट अब फोर्टी एट बाई सिक्सटी मिनट को फोर्टी मिनट में एड करिए फिर जो मिनट आएगा उसको फिर आवर में कन्वर्ट करिए वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट तो आवर में हो जाएगा वन ट्वेंटी सिक्स अपॉन सेवेंटी फाइव आवर्स स्पीड एक्चुअल इतनी है अगेन

तो न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी क्या होगा आंसर सो दीज आर थ्री क्वेश्चन फॉर सी सेट फॉर टूडे सोल्यूशन है और ये था एफ ए रैंकिंग फोर्टी थर्ड है वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स बाय आई एम डी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड फेड सिग्नल हैं चाइना का स्पेस एम्बिशन सत्य नाडेला अब चेयरमैन बन गए इंडियन आई टी सी आई आई ज्यादा पैसे लोगों के हाथ में दें